हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग का टाइटल है यू वर्सेस थर्ड पार्टी, यानी कि आप और आपके दरमियान जो भी थर्ड पार्टी है उसकी एनर्जी क्या है और क्या चल रहा है इस पूरी वो एनर्जी के प्रोसेस में। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप जानना चाहेंगे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेजेस भी वो लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। अगर आपको वाकई लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा थर्ड एलिमेंट या कोई थर्ड फैक्टर है इन फॉर्म ऑफ अ पर्सन, फाइनेंसेस, करियर, जॉब, फैमिली, एनीथिंग एल्स, तो ये फिर रीडिंग आपकी है। ठीक है, टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द सब्सक्रिप्शन एंड योर इमेंस सपोर्ट। आई रियली अप्रिशिएट, आई लव यू ऑल। राइट, मैं जब कभी भी यू वर्सेस देम की भी रीडिंग करती हूँ तो मैं दो डिफरेंट डेक्स लेती हूँ, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज भी होती है। एक ही डेक में से मुस्तकिल आप कार्ड्स पुल करते रहें तो उसमें से आपको फिर म्यूचुअल मैसेजेस भी नहीं मिलते। तो इस वजह से मैं यू वर्सेस देम में बिल्कुल सेपरेट एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करूँगी गिल्डेड टैरो से, और फिर मैं विच टैरो से आपके रिलेशन में जो थर्ड पार्टी है उसकी रीडिंग चेक करूँगी। लेट्स सी प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, माय स्पिरिट, एंजल्स, माय स्ट्रेंथ, माय पावर, माय साइकिक पावर्स, प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर की एनर्जी। लेट्स सी। ऑलराइट, किंग ऑफ कप्स, द सन, वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, ब्यूटिफुल। आपकी एनर्जी अगर देखी जाए तो आप तो अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, और आप अगर मेल हैं तो आप अपनी डिवाइन फेमिनिन से डील कर रहे हैं, और ये एक फेटेड रिलेशनशिप है। इसमें कोई रुकावट नहीं, इनफैक्ट आप एक पावर कपल हैं। अगर मैं आपकी एनर्जी चेक करूँ तो आप अपने पर्सन के साथ, शायद आप एक ऐसे पर्सन भी हैं जिसने इस बात को भी तस्लीम कर लिया है कि अगर आप थर्ड पार्टी भी, आपके और उनके दरमियान कोई थर्ड पार्टी भी है तो वो आपको हर हालत में कबूल है। लेकिन मुझे स्लाइटली एक दुख की एनर्जी में आप आड़े मुंह करते हुए ये बात नज़र आ रहे हैं, और आपके पर्सन आपके साथ इतना जेन्युइनली मोहब्बत करते हैं, इतने डीप और इतना मैच्योर रिलेशनशिप है, उनको मालूम है कि उनकी खुशी आपके साथ है। आप थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में सैड हैं ज़रूर, लेकिन आपको ये मालूम है कि आपकी और इनकी दोनों की खुशी इसी रिश्ते में है। लेट्स सी मोर, थर्ड पार्टी की तरफ चेक करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, इसका मतलब आपके पर्सन की लाइफ में तो दो खवातीन लाजमी हैं। द फूल, ऑलराइट, लाइफ में इनकी, आपके पर्सन की जो भी थर्ड पार्टी है वो गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी उसकी मतलब बिल्कुल टक्कर का मुकाबला है, टक्कर का। फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है पर्सन। द एम्परर, एंड वेरी वेरी स्टबर्न। आपकी रीडिंग में एक और कार्ड भी आया था, टेम्परेंस। ऑलराइट, जो चीज़ें इस पर्सन ने मतलब इस थर्ड पार्टी ने ये विटनेस की कि क्या वो चीज़ें हैं जो इसके अंदर नहीं हैं, इसने उसके ऊपर बैलेंस कर लिया है। ये अपने ही रिलेशनशिप को सेव करने के लिए एक फ्रेश स्टार्ट करने को बिल्कुल तैयार है, और काफ़ी हद तक इसमें ये अपने बच्चों को, कोई ऐसे फैक्टर्स को ज़रूर इस्तेमाल कर रही है थर्ड पार्टी, जिससे कि आपका मतलब ये जो पर्सन है, जो बेचारे थाली का बैगन बने हुए हैं इधर से उधर, ये इनकी तरफ रहें। ये रिश्ता मैच्योर है, ये कोई लवी डवी आज का रिश्ता नहीं लग रहा, बहुत पुख्तगी है इस रिश्ते में। लेकिन ये ज़रूर है कि आपकी एनर्जी में ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप एक तरीके से मूव ऑन कर रहे हैं, ऑल्दो आपको इनसे बहुत मोहब्बत है। ये पर्सन काफ़ी एम्बेरस भी हैं, क्यों, लेकिन ये आपसे जेन्युइन मोहब्बत करते हैं, ये मैं आपको डेफिनेटली बता दूं। यू वर्सेस थर्ड पार्टी के दरमियान अगर मैं इस तरफ देखूं आपकी एनर्जी में, तो आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत जेन्युइनली है। नाउ कमिंग बैक टू दिस पार्ट,
ये पर्सन इनके साथ बिल्कुल इनकी नीड्स, इनकी इनकी जिम्मेदारियां, तमाम चीज़ें सब फुलफ़िल कर रहे हैं, लेकिन इनका इनकी तरफ ध्यान उस और लगाव उस तरफ इस तरह नहीं है जैसा होना चाहिए, विच इज़ क्वाइट अनफेयर। अब ये अनफेयर क्यों है, आई डोंट नो, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है जो कि शो ये करता है कि थर्ड पार्टी ने इस बात पर अपने आप को राज़ी कर लिया है कि दिल मेरी तरफ ना हो लेकिन मैं इसको अपनी तरफ ही रखूँगा या रखूँगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ रखने के लिए इनके पास हैं। अगर ये मैरिड नहीं है तो सिबलिंग्स में या फैमिली में इनकी जिम्मेदारी कुछ इस तरह की है, क्योंकि फाइनेंसेस की तरफ से झुकाव इस तरफ है। आई एम सॉरी, मुझे काफ़ी ज़ोर से ठसका लग गया था, सो सॉरी, पॉज किया था मैंने, आपको शायद पता ना चला हो। ओके, यहाँ पर हो सकता है जो थर्ड पार्टी है ये इनकी ब्रेड अर्निंग में इनकी हेल्प करती हो, इक्वली ये लोग कमाते हों और सपोर्ट सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से चाहते हुए भी ये इस तरफ इनका माइल होना या झुकना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है। ना इस पर्सन ने आपसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहा है और ना ही कोई कमिटमेंट या कोई ऐसी कंडीशन सेट की है, लेकिन सिर्फ एक बात जो आपकी रीडिंग में तो सिर्फ यही बात आई है कि आप दोनों एक दूसरे का डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, और इस तरफ ये रीडिंग आई है थर्ड पार्टी की, फॉर श्योर कि ये भी कोई, इनकी पर्सनालिटी भी कोई कम नहीं है। इनफैक्ट इस रिलेशनशिप में रहते हुए जो कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, विद दिस फूल ऑफ फूल कार्ड एक जिद और एक अना को लचक दी गई है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है सजिटेरियस, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज। आपकी एनर्जी में फायर साइन, आपकी थर्ड पार्टी में फायर साइन बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वाटर साइन है, और यहाँ पर विद द सन इट्स लियो। ठीक है, लेट्स सी और क्या आ रहा है आपकी तरफ। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ सोर्स। अचानक से ये पर्सन आपके साथ लॉजिकल हो गए हैं, अचानक से इनको लग रहा है कि किंग ऑफ कप्स होते हुए, एक जेन्युइन इमोशनल होते हुए एकदम से प्रैक्टिकल साइड इनकी आ गई है। झुकाव अब भी है, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे मामले पर या ऐसी राह में लाकर आपको छोड़ा है जब आप लिटरली इनके जो लोग रिलेशनशिप में हैं, यानी आपको इस वक्त इनकी सही मायनों में जैसे कहना चाहिए ज़रूरत है, और इसी वक्त ही आपको छोड़कर जा रहे हैं या चले गए हैं। मुझे तो यह नज़र आ रहा है कि चले गए हैं। जाने के बाद भी इन्होंने कांटेक्ट नहीं छोड़ा है, बहुत ही खानापूरी वाला इनका कांटेक्ट है, दूर से ही आपको देख भी रहे हैं, और अब अगर आप इनको अप्रोच करते हैं तो ये बड़ी प्रैक्टिकल बातें करना शुरू कर देते हैं। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। और प्रैक्टिकल बातों में इनकी ज़्यादातर बात ये होती है कि एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि ये दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, विच इज़ फॉर श्योर यू एंड थर्ड पार्टी। इनके फाइनेंसेस में भी मसला आ रहा है, ये एक ही चीज़ की तरफ देख रहे हैं और उसमें इनका बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। इसको इधर कर देते हैं, लेट्स सी थर्ड पार्टी की तरफ क्या सिचुएशन है। आपकी तरफ से तो मुझे बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि ये मुँह काफ़ी हद तक मोड़ चुके हैं। द मैजिशियन, थर्ड पार्टी काफ़ी हद तक बड़ा मैनिपुलेशन रखती है, इनको मैनिफेस्ट करती है, काफ़ी टेक्टिक्स आते हैं, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाइयाँ काफ़ी ठीक ठाक होती हैं, एरीज और एरीज लियो सेजिटेरियस, फायर साइन बहुत ज़्यादा है, जुनून की हद तक का पैशन है जनाब, छोड़ना नहीं है इन्होंने, बिकॉज डेफिनेटली ये स्टेज ऐसी नहीं लग रही। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत डिफेंसिव है पार्टी, पैशनेट है इस मामले में कि अपना रिश्ता बचाए। किसी ने बहुत थोड़े अरसे पहले ये बात कही भी थी कि थर्ड पार्टी को बुरा भला कहा जाता है, थर्ड पार्टी होते हुए खुद शर्म नहीं आती, बहुत ही एंगर नज़र आ रहा था, विच इज़ अ फैक्ट, आई कम्प्लीटली अग्री। लेकिन जो रिलेशनशिप की सिचुएशन बिल्डअप हो जाती है उसमें बाज़ दफ़ा ऐसा मोड़ हर किसी की लाइफ में आ जाता है कि वो एक दूसरे को छोड़, इतने साल गुजारने के बाद भी छोड़ने का प्लान करते रहते हैं, तो ये सिचुएशन हमेशा दोनों तरफ से देखनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ ये छोड़ भी चुके हैं और लग रहा है कि यहाँ पर इतना फसाद हुआ है
कि थर्ड पार्टी ने अपना हर वो टूल और अपना हर वो टेक्टिक अपना लिया, चाहे उसको बिलो द बेल्ट बातें भी करना पड़ी हो, उसने की ताकि जितना फसाद और फड्डा क्रिएट हो सकता है किया जाए। बहुत तगड़ा उसके पास टूल, उसके बच्चे हैं, मैरिड लग रहा है मुझे ये रिश्ता, मुझे ये रिश्ता यंग लवर्स और बिल्कुल यंग क्रश का नहीं लग रहा है, ये बहुत जेन्युइन रिश्ता लग रहा है मुझको, मैरिड का, मैरिड होने का रिश्ता लग रहा है। थर्ड पार्टी ने ये नहीं सोचा, मोहब्बत गई भाड़ में, इस वक्त ना मियाँ बचाओ, इस वक्त अपनी बीवी को बचाओ, और ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बिल्कुल केस लग रहा है। बातचीत इनकी होती हो या ना होती हो, बट दे आर टुगेदर बिकॉज इसी चीज़ में ही वही है, यानी ठीक है, इज्जत इसी में है, रख रखाव इसी में है, जबकि यहाँ पर इमोशंस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया, अपनी खुशी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया, खुशी को प्रैक्टिकलिटी में बदल लिया गया और छोड़ के जाने का फैसला कर दिया गया। और अब जब कभी भी बात होती है तो इस तरफ यही वाली एक्सक्यूज़ होती हैं कि मुझसे संभल नहीं रही चीज़ें। कम्युनिकेशन है विच शोज़ के थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है, यानी थर्ड पार्टी इस हद तक तैयार है कि अगर ये मामला ठीक नहीं हुआ तो मैं जाकर हंगामा मचा दूंगी या मचा दूंगा विद द एट ऑफ वॉन्ड्स। इनफैक्ट थर्ड पार्टी आपसे बहुत क्लियरली और ओपनली कम्युनिकेशन करने को भी तैयार है, ताकि वो आपको ये बात समझा सके कि लीव दिस रिलेशनशिप। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में फोर ऑफ वॉन्ड्स। आप शायद बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज है, क्योंकि यहाँ पर एक इमेज में बच्चा है, आप शायद प्रेग्नेंट हो गए इस प्रोसेस में और आपने शादी की बात की, आपने आपके साथ एक बच्चा है, एक बच्चे के साथ होते हुए इन्होंने आपको कबूल किया था, इनको शुरू शुरू में कोई इशू नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन अब आप इस प्रोसेस में रहते हुए शायद आप ग्रो हो गए, इवॉल्व हो गए, आप इंडिपेंडेंट थोड़े से हुए, मोहब्बत रही, बहुत रही, बड़ी टूट के मोहब्बत की, और अब जब आपको इस पूरे उसमें जब एक कोल्ड बिहेवियर नज़र आ रहा है तो आपको ख़ुद समझ में नहीं आ रहा कि बनते बनते मामला कैसे बिगड़ सा गया। तो यू वर्सेस थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी मुझे फुल फ्लेज इनको अपने काबू में करती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ पर मामला मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक होप ये है कि अगर बहुत मां तक खिंचाया हुआ तो शायद वो सारे हरबे इसलिए भी अपनाए जा रहे हैं क्योंकि इस बात की दलील और इस बात का यकीन हो गया है थर्ड पार्टी को कि किसी भी मोमेंट पर शादी हो सकती है, या तो आप प्रेग्नेंट हो गए या आपका एबॉर्शन हुआ है या कुछ मैटर बच्चे का है जिसमें आपका बच्चे का कस्टडी का मैटर चल रहा था, कोई और चीज़ चल रही थी जिसकी वजह से आप केस जीत गए या क्या हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा लीगल मैटर हुआ कि बच्चे की कस्टडी या बच्चों के एक्सपेंसेस से कोर्ट मैटर्स थोड़े से रिजॉल्व हुए और आप किसी हद तक परेशानी से हट गए हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को अब आपको इस पोजीशन में अपनाना आसान है। ये बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज है क्योंकि दोनों इमेजेस में बच्चा है और शादी इस हद तक या इस कंडीशन तक थोड़ी सी पॉसिबल नज़र आ रही है। लेट्स सी यू वर्सेस थर्ड पार्टी की रीडिंग हो रही है। लेट्स सी टॉयल एंड लेबर। आप इनकी किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं या आपने बड़ी मेहनत की है इस पूरे अरसे में, आपने ये रिलेशनशिप कोई ओवर द नाइट नहीं बनाया, इस रिलेशनशिप में आपने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, इनफैक्ट इस पर्सन ने आपको ये बहुत हाई ऑनर देखते हैं, आपने सब कुछ अपने नाम से कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया है, आपकी सोसाइटी में बहुत इज्जत है, इनफैक्ट आप हो सकता है 25 साल के हों और अब आप 38 ईयर्स के हैं, बिकॉज यू वर्सेस थर्ड पार्टी के अंदर डेफिनेटली एज मैटर करती है जब रीडिंग इस तरह की निकल रही है। मुझे यहाँ पर कोई, मैं बार बार ये बात बावर करा रही हूँ, मुझे यहाँ पर कोई भी यंग क्रश और लवर्स और टीनेज में नहीं लग रहा है, इनफैक्ट मुझे दोनों तरफ मैरिड सिचुएशन ही लग रही है। आपने ये जो कुछ भी किया है काफ़ी ऑनरेबल, आपने अपना नाम कमाया है, नाम जमा किया है, आपको ये बहुत हाई ऑनर रिगार्ड करते हैं बिकॉज इनको अंदाज़ा है कि आपने एक सिंगल पेरेंट होते हुए या एक सिंगल इंडिविजुअल होते हुए अपने कैसी मेहनत से ये सब कुछ हासिल किया है। ठीक है, लेट्स सी कि थर्ड पार्टी की तरफ से क्या फाइनेंशियल फॉर्च्यून टेलिंग डेक से आता है। प्रिविलेज लेडी, यकीनन थर्ड पार्टी के नाम कोई ना कोई घर है, कोई जायदाद है और इस थर्ड पार्टी को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप दोनों इक्वल एज शेयर करते हैं, यानी आप लोग अपने लेट ट्वेंटीज़ में हैं और थर्ड पार्टी भी अपने लेट ट्वेंटीज़ में हैं और आप भी अपने लेट ट्वेंटीज़ में हैं। बहुत यंग एज में शायद इस थर्ड पार्टी के साथ इनकी शादी हुई थी और अब इतने सारे साल शादी के गुजारने के बाद दिस पर्सन इज़ मूविंग टूवर्ड्स दिस साइड, दैट इज़ वाई दिस इज़ क्वाइट अलार्मिंग फॉर द थर्ड पार्टी।
थर्ड पार्टी अपने हिसाब से काफ़ी डिटर्मिंड है, काफ़ी एक्सपेक्टेशन है उसको कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आखिर हद तक फाइट करने वाली बात है यहाँ पर। अगर यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स आ जाता तो थर्ड पार्टी का पलड़ा काफ़ी हद तक भारी होता। मैं कोई शुगर कोट नहीं करूँगी, आपको कोई फेक या फॉल्स होप नहीं दूंगी, जो मुझे नज़र आ रहा है मैं बता रही हूँ। आपकी तरफ सिचुएशन बहुत हद तक दिल से फैसला करने की है, जबकि वहाँ पर विद द मैजिशियन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टेम्परेंस कार्ड दिमाग से काम लिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ तो मोहब्बत शुरू होकर ख़त्म हो चुकी है। अब मोहब्बत का पलड़ा इस तरफ चला गया तो मोहब्बत का क्या अचार डालना है, तो वहाँ पर देखा जाए तो वो टैक्टिक अपनाए जा रहे हैं जिससे रिश्ते बच सकते हैं और जिससे मामला सुधरे जा सकते हैं, और फिर चाहे एक दूसरे की शक्ल ना भी देखो लेकिन एक छत के नीचे रहो, वो वाला मामला। और यहाँ पर ये है कि आप इस सिचुएशन में फेड अप और थोड़े से थके हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज आपको ये लग रहा है जब कुछ नहीं बचा तो व्हाट इज़ द पॉइंट। लेट्स सी कि आप लोगों की रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम क्या है, मैं और फिर मैं आपके लिए ओरेकल डेक से जो है वो गाइडेंस लूँगी। लेट्स सी, सॉरी इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए बाबा। जनाब ओवरऑल एनर्जी क्या है, दो कार्ड्स आ गए हैं, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, दोनों सूरत हाल में कुछ भी हो सकता है। ये इट ऑल डिपेंड्स, बिकॉज ये अब ओवरऑल जो एनर्जी आ रही है ये आपके पार्टनर की आ रही है। अगर आपके पार्टनर का दिमाग ठनका, इनको थर्ड पार्टी ने ज़्यादा पुश किया, तो कुछ भी हो सकता है। ये अपने बहुत करीब हैं, बिकॉज यहाँ ये जितने ज़िद्दी और प्रैक्टिकल थे इस तरफ इनका इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा अवेकेंड है। तो अगर ये बैलेंस हो गए तो ये डिसीजन प्रैक्टिकल होकर लेंगे, और अगर ये बैलेंस नहीं हुए तो कुछ भी हो सकता है। शायद इसी बात का धड़का थर्ड पार्टी को है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आप इसको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो अगर आपका फेथ है और आपने इस चीज़ों में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, अगर आपके पार्टनर को होश आ गया तो झुकाव इस तरफ हो सकता है। अदरवाइज बिलीव इन द इम्पॉसिबल ये कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी पूरा गेम प्लॉट कर रही है, पूरा प्लान चॉक आउट कर रही है, तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल आपके लिए शॉकिंग न्यूज़ ये हो सकती है कि ये बंदा आपके हाथ से चला जाए। ठीक है, अगर यू वर्सेस देम में ये थर्ड पार्टी आपकी और थर्ड पार्टी की रीडिंग यही है, तो लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है। लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है। कम्युनिकेटिंग फ्रीली, आई कम्युनिकेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई बींग। आपको कोई फियर नहीं है, इनफैक्ट आप बिल्कुल ओपनली, आपने शायद मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल ओपनली कह दिया है कि टॉक्सिसिटी में और फियर्स में रहने से बेहतर है कि बात करो, बात को ख़त्म करो, आगे बढ़ो, मुंह फाड़ो, मुंह बोलो, जो तुम्हारे दिल दिमाग में चल रहा है बोलो, फूटो, बोलो और निकलो। राइजिंग अबव, कोशिश करते रहिए, आपके लिए जैसे यहाँ पर आपने मेहनत करके ये नाम कमाया है, आई थिंक अगर आप इस फाइव ऑफ पेंटिकल से निकलते भी हैं, इस चुंगल से निकल जाएं, आई सी ओनली ब्यूटी एंड ग्रेस। लोटस, मैंने कल या परसों थोड़े दिनों पहले लोटस की एग्जांपल आई थी और आज भी लोटस आया है, तो दैट मींस कि ये थर्ड पार्टी अगर बिलो द बेल्ट और बिल्कुल ऐसी चीप बातें भी अगर आपसे करे, अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं गिरिएगा। इनको बहुत शौक है ना, इन आपके पार्टनर को होश के नाखून लेने चाहिए। ट्रिगर हुआ, घंटियाँ बजी, मोहब्बत हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन क्या फ़ायदा जब आप स्टैंड नहीं ले सकते। राइट टाइमिंग, रॉन्ग टाइमिंग, राइट थिंग, ठीक है ना, वो वाला मामला चल रहा है आपका। तो आप अपने अपने स्टैंडर्ड को बिल्कुल भी डिग्रेड मत कीजिएगा, उसको बिल्कुल भी सब स्टैंडर्ड मत बनाइएगा, आप हमेशा ग्रो करेंगे। आपके लिए एडवाइस ये है, जिस तरह आप हैं, जिसकी वजह से एक पर्सन आपकी लाइफ में आपको देख कर इम्प्रेस होकर आपकी लाइफ में आया, आप इसी ऑरा में रहिए। ठीक है जनाब, ये आप लोगों की रीडिंग थी यू वर्सेस थर्ड पार्टी की। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, प्राइवेट रीडिंग के लिए मैं अवेलेबल हूँ, एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। प्लीज़ बी वेरी रिस्पेक्टफुल व्हेन यू आर मैसेजिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।